performer in today's Laughter Prelims, we have the deadly combination of red and white here with us. Straight from Karachi, Pakistan, it's time for Sikandar Sanam and Wali Sheikh. Red and white mein Lal Badshah aur Fateh Khan, Laughter Challenge 4 mein Hasi ka double dose denge Pakistan ke ye mehman. Main zyada mat kar, chingyariyan nikal aayengi chingyariyan. वैसे मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ इधर. मैंने एक मैरिज ब्यूरो खोला है. एक मेरा दोस्त है लाल बादशाह, उसके साथ मिलकर मैंने हर काम किया. उसने हर काम का सत्यानाश किया, लेकिन मैंने ये कारोबार उससे बड़ा छुपकर किया. बस दुआ करें कोई पार्टी आ जाए बस. या अल्लाह, अब ये रेड एंड व्हाइट क्या हो गया? क्या हो गया? अल्लाह माफ करे. सलाम वालेकुम सिद्धू जी, सलाम वालेकुम सतरू जी, सलाम वालेकुम सारी ऑडियंस. आई लव यू. वैसे एक बात सुनो, ये कारोबार मैंने तुमसे छुप के किया था, तुम यहाँ भी आ गए. शादी करने आओ, लड़की दिखाओ तुम्हारे मुंह पे. यानी तुम शादी करने आए हो? तो और काहे के लिए आए? अल्ट्रासाउंड कराने आया हूँ. तुम वाकई शादी करने आए हो? नहीं, लंगर का चंदा लेने आया हूँ. वैसे एक बात बताओ, हाँ जी, इससे पहले तुम्हारी शादी हुई है? एक दफा हुई है तुम्हारे मुंह पे. भाई शादी में इतना दलील हुआ हूँ तुम्हारे मुंह पे. क्या हुआ? वो हल्दी की रस्म नहीं होती? हाँ? हल्दी की रस्म हुई है. हाँ? मैं लड़कियों में हल्दी लगवाने गया हूँ. हाँ? अचानक बिजली चली गई, फिर लड़कियों ने हल्दी की जगह ग्रीस लगा दी. अरे मैंने बोला भाई ग्रीस क्यों लगा रही हो? मैं क्या अटक अटक के चलता हूँ तुम्हारे मुंह पे? चलो सेराबंदी में तो कोई मसला नहीं हुआ ना? सेराबंदी में भी जलील हुआ तुम्हारे मुंह पे. मैं कैसे? सेरा बांध कर बाहर निकला हूँ. हाँ? अम्मा ने गली में कुर्सी रख दी. हाय मेरे बच्चे, इसमें बैठ जाओ. मैं गली में कुर्सी में बैठा हूँ. हाँ? तुम्हारी तरह किसी जलील आदमी ने अपना बकरा छोड़ दिया. एक मिनट में पूरा सेरा खा गया बकरा. खाली धागे रह गए यूं करके. चलो विदाई तो हो गई होगी ना? विदाई में भी बड़ा जलील हुआ हूँ भाई. कैसे? दुल्हन कार में बैठी. हाँ? मैं जैसे ही बैठने गया, चार पुरानी औरतें अंदर घुस गई. मैं दूध वाले की साइकिल पे बैठ के घर पहुंचा हूँ यार. चलो भाभी तो घर आ गई ना? भाभी जलील हुआ हूँ तुम्हारे मुंह पे. कैसे? तुम्हारी भाभी का मैंने घूंघट उठाया. हाँ? मुझे देखकर क्या बोल रही है? क्या ये क्या कर रहे हो बेटे? चलो बाहर. मैं भी अम्मी बोल के बाहर आ गया. मैंने बोला मेरा काम बने ना बने, अब्बा का तो बने. बेटे यहाँ क्यों आए हो दोबारा? शादी कर रहे हैं दोबारा. अरे आप तो बिल्कुल सही जगह आए. अच्छा, मेरे पास बड़ी लड़कियाँ. अच्छा, यूँ समझ लो गोदाम भरा पड़ा है. अच्छा, बहुत लड़कियाँ? हाँ. मैं तो बोल रहा हूँ दफ्तर बंद करके कुछ और करो. हाँ. यार भाईजान लड़कियाँ बहुत है. लड़कियाँ बहुत है? हाँ. तो पब्लिक में बांटो, कम से कम सवाब तो मिले. आप पहले ये बताएं आपको लड़की कैसी चाहिए? जिसके चार हाथ हो, चार पांव हो, बाकी चीजें दो दो हो. दो. अबे पागल के बच्चे, पूरी लड़की चाहिए? अगर एक भी चीज कम हुई ना तुम्हारे घर से ले लूंगा. तो इसका मतलब है कि आपको फुल साइज चाहिए? नहीं, पहले मीडियम और स्मॉल दिखा दो. अबे मैं क्या जींस की पैंट लेने आया हूँ क्या? लड़की दिखाओ तुम्हारे मुंह पे. आपको बताया मेरी फीस कितनी है? कितनी फीस है? एक लाख रुपए. चल बे, एक लाख रुपए. अपना मुंह देख, बरातों में पैसे लूटने वाले. एक लाख रुपए, इतना बड़ा मुंह खोल के बोल दिया. तेरे जैसे कीड़े गुनाहगारों की कब्रों में आएंगे. एक लाख में तो पूरा ट्रक भर के आ जाता है लड़कियों का. ऐसे मैं आपसे मजाक कर रहा था. मजाक क्यों कर रहा था? मैं तेरी महबूबा हूँ क्या? मेरी ऐसी महबूबा हो ना तो मैं उसका गला ही दबा दूं. और मेरा ऐसा आशिक हो ना, सर में पंखा लगा के हेलीकॉप्टर बना दूं. कैसे भाईजान? हाँ जी. एक बात बताएं. हाँ जी. आपकी बारात में आदमी कितने होंगे? मेरी बारात में आदमी होंगे कम से कम 500 तुम्हारे मुंह पे. 500 आदमी? 500 आदमी. लेकिन एक बात है. जी जी. आपकी बारात मैं भी जाऊंगा. बड़ा मुश्किल है. क्यों? आदमी ज्यादा है, हो सकता है मैं भी ना जाऊं.
चलो कोई बात नहीं, आप कल बारात ले आओ भाई, बारात ले आएंगे कल, ठीक है ओके। टाइम क्या हुआ? टाइम 10 बज गए। ओके ओके। ओ भाई, हाँ जी, एडवांस तो देते जाओ। किस बात का? शादी का। कौन कर रहा है शादी? तुम पागल हो गया क्या? क्यों? अबे भाई, मैं तो जा रहा था दिल्ली। हाँ, गाड़ी 1 घंटा लेट थी, मैंने बोला टाइम पास ही कर लो।